अपने YouTube चैनल द संदीप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। दोस्तों अभी हम सभी लोग जा रहे थे आटा गूंथ कर रोटी बनाने, लेकिन देखा दोस्तों रोटी के जो आटा है उसमें कीड़े निकले। तो हमारे रूम में थोड़ा सा मैदा रखा था तो दोस्तों आटे में तो पूरा कीड़ा निकला। अभी आप सभी को वीडियो दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो दुकान को दिखाना पड़ेगा। वहाँ से हम सभी लोग लाए, महीने का लास्ट दिन चल रहा है तो हम सभी लोग खुला आटा लेकर आए थे, तो खुले आटे में दोस्तों थोड़े कीड़े निकले जिसके वजह से हम सभी लोग उस आटे को रख दिए हैं और अभी दुकान पर जाकर उसको वापस करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों इतना प्रॉब्लम होता है, महीने के लास्ट में पैसा खत्म हो जाता है। हम सभी लोग पूरा पैकेट या बोरे लेकर आते हैं आटा, लेकिन अब इस समय पैसे का शॉर्टेज हो गया, इसलिए थोड़ा सा आटा लेकर आए थे खुला हुआ जिसमें कीड़े निकले दोस्तों, तो भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैदा रखा था तो मैदे का पूड़ी बना लिए हैं और उसे पूड़ी और चाय हम सभी लोग खा के आज सोएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी शाम को ड्यूटी भी जाना है और समय नहीं है। अभी यहाँ का जो दुकान होता है 9:30-10 बजे तक खुलता है, इसलिए अभी वापस करने नहीं जाएंगे। शाम को देखते हैं, अगर जल्दी जग गए तो वापस करने जाएंगे आटे को, नहीं तो दोस्तों कल वापस करेंगे। और आज शाम को ड्यूटी भी जाना है, कल छुट्टी था संडे तो आज ड्यूटी जाना है। और अभी हम सभी लोग चाय बनाए हैं और मैदे का जो था पूड़ी बना लिए हैं, वही चाय और पूड़ी खाकर दोस्तों सोएंगे। और सोने के बाद शाम को अगर जल्दी उठ गए तो खाना पीना बनाएंगे, नहीं तो फिर कैंटीन में खाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय जो खाने पीने का सामान है थोड़ा शॉर्टेज हो गया है रूम में, पैसे की कमी थी और कुछ हमारे मित्र आ गए थे जिसकी वजह से थोड़ा और प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि महीने के लास्ट में 10 तारीख को पैसा आता है, तभी दोस्तों हम सभी के पास पैसा होता है, जो कुछ पैसा होता है हम सभी लोग थोड़ा सा पैसा रखते हैं कि इतना रूम का खर्चा चला सके और अपना पर्सनल खर्चा चल सके, और कुछ रुपया दोस्तों घर पर भी भेजना होता है, तो हमारे पास पैसा नहीं बचा था। उसी के बीच में दोस्त भी आ गए तो थोड़ा रुपये का आपकी बात शॉर्टेज हो गया, इसलिए दोस्तों हम सभी लोग सामान थोड़ा कम रख पाए। देखिए दोस्तों जो मैदा रखा था अभी हम सभी लोग गूंथ लिए हैं और फटाफट इसका पूड़ी बना लेते हैं दोस्तों जल्दी से, और खा पी कर सोना भी है। दोस्तों अभी हम सभी लोग मैदे का पूड़ी बना लिए हैं, यहाँ पर मैदे का पूड़ी है। अब देखते हैं चाय के साथ इसको खाकर अच्छा लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम होता है शहर में, आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। कभी रूम पर खाना नहीं रहता तो कभी राशन खत्म हो जाता है, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आज हम सभी लोग मैदे का पूड़ी बना लिए हैं, देखिए मैदे का भटूरा टाइप का पूड़ी बनाए हैं, और इसी पूड़ी को और यहाँ पर दोस्तों चाय बना कर रख लिए, चाय बनाए हैं अभी, तो चाय और पूड़ी खाकर अभी सोएंगे, क्योंकि दोस्तों अब समय नहीं है और समय शाम को जल्दी भी उठना है, ड्यूटी जाना है। तो थोड़ा सा मैदे का पूड़ी बना लिए हैं और पूड़ी चाय खाकर सोएंगे, और उसका जो थोड़ा सा मैदा बचा था दोस्तों इसका आप सभी लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम सभी लोग तो इसे दोस्तों नमक पारा और सुहाल के नाम से जानते हैं, लेकिन आप सभी लोग इसको मैदे का जो
छोटा छोटा कटिंग करके बनाया जाता है, आप सब लोग इसे क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। ये दोस्तों दुकान से थोड़ा ये पोहा, सभी लोग पोहा बोलते हैं, हम सभी लोग चूड़ा बोलते हैं दोस्तों, तो चूड़े का नमकीन लाए थे और जो मैदा बचा हुआ था उसका थोड़ा सा सुहाल बना लिया। आप सभी लोग नमक पारा या और किसी नाम से जानते होंगे, तो हमारे यहाँ भी इसका नाम नमक पारा और सुहाल इन सभी चीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो चूड़ा था, भुना हुआ चूड़ा, इसको मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा इसको नमकीन बनाएंगे दोस्तों। और चाय के साथ देखिए दोस्तों, ये पूड़ी है, पूड़ी बना लिए हैं और चाय भी बना लिए हैं दोस्तों। तभी चाय पूड़ी और ये नमकीन है वगैरह, ये सब खा के सो जाएंगे क्योंकि खाना बनाने का टाइम नहीं है। और समय अगर समय से उठे शाम को तो खाना बनाएंगे, फिर ड्यूटी जाएंगे दोस्तों। आप सभी को अभी पहले बताया दोस्तों, आटे में जो कीड़े थे उसकी वजह से आटे का पूड़ी नहीं बना पाए दोस्तों, और आज हम सभी लोग मैदे का पूड़ी बनाए हैं। और थोड़ा सा दोस्तों ये सुहाल आप सभी लोग को दिखाया, अभी थोड़ा सा आटा जो बच गया था मैदा उसका सुहाल बना लिए हैं और थोड़ा बाजार से नमकीन लाए थे चूड़ा, उसको मिक्स कर लिए हैं। तभी यही हम सभी लोग खा पी के सोने जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप सभी को, हम सभी का स्ट्रगल अगर थोड़ा भी आप सभी को लगता है कि हम सभी लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं दोस्तों अपने घर वालों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों इससे ही अच्छे और बेहतर वीडियो के, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।